हेलो एवरीवन, फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है। ट्रैवल बैन नो डाउट 26 सितंबर के लिए एक्सटेंड हुआ, लेकिन साथ में 27 से स्टार्ट भी हो रहा है। ये ऑफिशियली अपडेट हो चुका है, IRCC ने अपडेट कर दिया, कनाडा गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। 21 सितंबर की अपडेट आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि 26 सितंबर तक जो बैन है उसको एक्सटेंड कर दिया। इसके लिए उनको प्रेपरेशन की जरूरत थी डायरेक्ट फ्लाइट को लेके, तो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटीज पूरी करने में टाइम लग रहा था, उन्होंने इसलिए 7 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। और साथ में आगे बता भी दिया कि जिन्होंने ट्रैवल करना है डायरेक्ट उनके लिए कंडीशंस क्या रही, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि प्री डिपार्चर जो आपका COVID-19 का टेस्ट होना चाहिए, RT-PCR टेस्ट जो होना चाहिए वो जेनिस्ट्रिंग लेबोरेटरी है जो वहां पे एयरपोर्ट बिल्डिंग के पास है। तो एयरपोर्ट में ही जो लेबोरेटरी बनी हुई है वहीं से टेस्ट वैलिड है। ये एयर कैनेडा ने भी, आपने लास्ट वीडियो देखी उसमें मैंने शेयर किया था, पहले ही एयर कैनेडा ने ये अपडेट दे दी थी कि 18 घंटे पहले से उस पुराना टेस्ट नहीं होना चाहिए, विद इन 18 आवर आपका जो है वो टेस्ट होना चाहिए। जहाँ पॉजिटिव अगर पिछले 14 दिन से पहले या 180 दिन के बीच में पॉजिटिव की रिपोर्ट थी तो वो भी चलेगी आपके लिए। तो इसके साथ साथ इनडायरेक्ट जो रूट है, अब आगे चल के हम जो कोविड के टेस्ट की बुकिंग है उसकी भी बात करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट जो रूट है वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सभी को डायरेक्ट फ्लाइट लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी 2 से 3 प्लेन जो है वो डेली बेसिस पे वो चलाने की सोच रहे हैं, तो जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से ये कम है। हाँ, एयर इंडिया आगे चल के अनाउंस करेगी उससे और बेनिफिट होगा, तो एयर कैनेडा के बाद एयर इंडिया भी लाइन में आएगी तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कि आगे चल के जो है कॉस्ट भी जो अभी ठीक ठाक आ रही है वो कम हो जाएगी। तो ये फाइनली आ चुका है, यहाँ पे इन्हीं की साइट के ऊपर आप क्लिक करके लेबोरेटरी की वेबसाइट पे जा सकते हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है। वहाँ आप जाते हैं, आगे चल के आप देखोगे बुकिंग के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने अपना नाम लिखना है, आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना जो कॉन्टैक्ट आईडी होगा वो डिटेल लिखोगे, आगे चल के कौन सा आईडी आपका, आधार कार्ड है या पासपोर्ट है। तो रिकमेंडेशन यही है कि जो ट्रैवलर है वेरी ओबेस वो पासपोर्ट करेंगे, लेकिन यह आधार कार्ड का ऑप्शन भी साथ में दिया हुआ है, तो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो ट्रैवल टाइप सेलेक्ट करना है आपने। आगे जो एयरलाइन की डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए, तो मतलब आपके पास एयर टिकट की बुकिंग पहले से होनी चाहिए ताकि आप इस टेस्ट को बुक कर सको। उसमें आपकी एयरलाइन का जो नंबर होता है, एयरलाइन का एक नंबर होता है, वो नंबर भी आपको इसके बीच में लिखना पड़ेगा। रूट जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, बाकी बेसिक डिटेल आपका पैन कार्ड हो गया, और PNR नंबर होता है आपकी एयर टिकट के ऊपर, वो चीज़ भी आपने लिखनी है। इसी के साथ साथ आप अपना एड्रेस वगैरह लिखोगे, एड्रेस कंप्लीट करने के बाद सिटी हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया, नेशनैलिटी हो गया, तो टाइप ऑफ जो टेस्ट है आपने कौन सा करना है, स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्लॉट दिख जाएंगे अलग अलग। वहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो जो RT-PCR टेस्ट है इसका सिस्टम क्या है कि वहाँ पे आपको रिपोर्ट में 18 घंटे का टाइम है आपके पास, तो रिपोर्ट में वहाँ नॉर्मली 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में आ जाती है। तो रिकमेंडेशन यही है कि आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, कॉस्ट इसके साथ लिखी हुई है, लेकिन सीधी सीधी रिकमेंडेशन है कि आप पूरे 18 घंटे जो आपके अपॉइंटमेंट स्लॉट है वो पहले टाइमली बुक कर लें, और 18 घंटे का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाए वहाँ पे, क्योंकि आपको 18 घंटे के बीच में हुआ टेस्ट चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि अब टाइम हो चुका है तो आप हाथों हाथ अपने सैंपल वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको ये टेंशन से फ्री हो जाओ कि टेस्ट कितनी रिपोर्ट में टाइम लगे। वो एक्स्ट्रा स्लॉट दे रहे हैं, उनको पता है डिमांड के हिसाब से, स्पेशली उन्होंने इस लेबोरेटरी को डिज़ाइन किया हुआ, तो डोंट वरी, आपको वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जैसे और कोई अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स।